निर्णय इस देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों और पिछड़ों के सम्मान की बात क्या उठाई, एक वर्ग विशेष के लोग मेरे पीछे हत्या की साजिश में लग गए, कोई मेरा सिर काटने के लिए 20 लाख तो कोई 51 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई जीभ काटने के लिए 5 लाख तो कोई 11 लाख की सुपारी दे रहा है, कोई हाथ काटने के लिए, कोई कान काटने के लिए, कोई नाक काटने के लिए, और कोई हत्या करने की बात कर रहा है। तो स्वाभाविक रूप से यह साधु वेश में जो आतंकवादी और आपराधिक चेहरे हैं, सरकार को चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए थी, FIR दर्ज करानी चाहिए थी। स्वतः संज्ञान लेते हुए ऐसे बयान देने वालों को, जिन्होंने सार्वजनिक बयान दिया, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सामने बयान दिया, बयान देते हुए उनकी फोटो भी है, और उसके बावजूद सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है, इसका मतलब है भाजपा प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार मेरे हत्या की साजिश करने वालों के साथ शामिल है। भाजपा सरकार मेरी हत्या कराना चाहती है, और इसीलिए ऐसे घटिया बयान देने वालों के खिलाफ भी सरकार किसी प्रकार की कार्रवाई करने से कतरा रही है। हमने अपना सुरक्षा संबंधी पत्र एक बार नहीं, दो दो बार दे दिया है। एक पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को,